हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम टर्म इंश्योरेंस पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी मैक्सिमम सारे के सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे और आप एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस चुन सकते हो। पीरियड क्या लेना चाहिए, सम इंश्योर्ड क्या लेना चाहिए, पे आउट ऑप्शन क्या चुनने चाहिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान दोस्तों आपको पता है एक प्योर रिस्क प्लान होता है। इसमें आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स तो नहीं मिलते, लेकिन आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम होता है और आपको लाइफ कवर जो मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको दो पॉलिसी लेनी चाहिए, दो अलग अलग इंश्योरर से। पहली पॉलिसी आपको उनसे लेनी चाहिए जो आपके सबसे फेवरेट और पहली प्रेफरेंस में इंश्योरर आते हैं, और दोस्तों दूसरी पॉलिसी आपको उनसे लेनी चाहिए जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस में आते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि दो पॉलिसी क्यों लें। पहली बात तो ये है कि दोस्तों अगर डेथ के बाद कोई एक इंश्योरर अगर आनाकानी करता है क्लेम सेटल करने में, तो चांसेस हैं कि दूसरा जो इंश्योरर है वो आपके क्लेम को सेटल कर दे और नॉमिनी को पैसे मिल जाएं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपका कोई फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, आप पॉलिसी चलाने में असमर्थ होते हैं, तो आप एक पॉलिसी बंद करके दूसरी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पॉलिसी पीरियड की दोस्तों बात करें तो जो आप अपनी पहली पॉलिसी लोगे उसमें आप कवरेज लीजिए अपनी 60 से 65 साल की एज तक। अगर आपकी करंट एज 25 साल है तो आपको 35 या 40 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपकी करंट एज 35 साल है तो आपको 25 या 30 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरी पॉलिसी दोस्तों जो आप लेने जाओगे वो दोस्तों आपको लेनी है, आपका इंश्योरर जो दूसरा प्रेफरेंस वाला होगा वो आपको मैक्सिमम जितने पॉलिसी पीरियड की पॉलिसी ऑफर कर रहा होगा आपको वो पॉलिसी लेनी है। ऐसा करने पे दोस्तों आप और आपके फैमिली के लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। अगर पे आउट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों आप लमसम पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं, सिंगल पेमेंट ले सकते हैं, पार्शियल लमसम पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं या फिर मंथली पेमेंट ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका स्पाउस है आपके बाद पैसे को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो आप लमसम सारा का सारा पैसा एक साथ डेथ क्लेम का चुन सकते हैं कि आपके नॉमिनी को दे दिया जाए, या फिर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में भी चुन सकते हैं कि आपके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया जाए। अब ये दोस्तों टोटली डिपेंड करेगा कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपके बाद पैसे को कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज आपकी डेथ के बाद मोस्टली लोगों को पता होगा कि इनके पास पैसा आने वाला है मोटा, और लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा मांगना शुरू कर देंगे आपके नॉमिनी से। और अगर इस टाइम पे अगर आपकी स्पाउस पैसे को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई तो आपने जो सोच के ये टर्म प्लान लिया था कि हमारे बच्चे जो होंगे उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, उनका लाइफस्टाइल अच्छे से गुजरे, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बाकी दोस्तों बात करें सम इंश्योर्ड कितना लेना चाहिए, तो आपको अपनी एनुअल इनकम का 15 से 20 टाइम्स सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो आपको 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको इंश्योरर देखना है अपना, तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए IRDA की एनुअल रिपोर्ट में। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्लेम्स मत देखिए, क्लेम अमाउंट भी देखिए। ग्रेस पीरियड की बात करें, ग्रेस पीरियड होता है कि जिस दिन आपको प्रीमियम पे करना है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना दिया जाता है, तो टाइम पे प्रीमियम पे कीजिए। आपका प्रीमियम दोस्तों बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्लान में, बिकॉज इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। और दोस्तों आप जब भी कभी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाओगे आपको काफ़ी सारे एड ऑन कवर्स मिल जाएंगे, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ये आप अपनी फैमिली हिस्ट्री और अपनी फैमिली की एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जब भी आप अपना प्रपोजल फॉर्म भरें पॉलिसी लेते टाइम, तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें सही से भरनी है, आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो चीज़ें छुपाते हैं और कहते हैं कि हमें सब पता है कि ये सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जब क्लेम नॉमिनी को देने की बारी आएगी और उस टाइम पर कंपनी को ये सब चीज़ें पता चलेंगी, तब आप ये सब चालाकियां करने के लिए ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं होंगे। तो सबसे अच्छा है कि सारी की सारी चीज़ें सही से भरें प्रपोजल फॉर्म में,
इससे हो सकता है कि आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन जो आपका पर्पस है अपने बच्चों के लिए लमसम एक मोटा अमाउंट छोड़ के जाने का, वो आपका जरूर से पूरा हो जाएगा। अपने प्रीमियम को दोस्तों हमेशा टाइम पे कीजिए। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, आप अपने पॉलिसी को बाद में रिवाइव करने जाओगे और उस टाइम पे आपको कोई अगर बीमारी वगैरह हो जाती है, तो फिर हो सकता है इंश्योरर आपके प्रीमियम वगैरह को चेंज करे या काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए अपने प्रीमियम को हमेशा टाइम पे कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।